अरे गाफिल न कुछ समझा, कहूँ क्या ए सजन तुझको। अरे गाफिल न कुछ समझा, कहूँ क्या ए सजन तुझको। मिलाया खाख में तो मेरे लहरा तन रतन जो तुझको। जब मां के गर्भ के अंदर ये जीव
के ऊपर से बह रहा था और दुर्गंध के अंदर जीव तड़पता था और माँ कहती है कि बच्चा अंदर घूम रहा है। तो पिंजौर गार्डन वहां नहीं था जहां पर सैर करने का उसे बड़ा भाव, गंदगी में उस बादलों का जीव तड़पता है और परमात्मा से निवेदन करता है, बार बार प्रार्थना करता है, हे दीन बंधु इस घोर नरक जिसको हम कहते हैं कुंभी नरक कुंभ भी कहते हैं मटके को, यदि मटके के अंदर गंदगी डाल दे उसमें कीड़े भर जाए, कुंभ भर जाए, जीव पैदा हो जाए तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है और उसके अंदर जो है वो जीव तड़पते रहते हैं, कुलमलाते रहते हैं। इसी प्रकार जब हम उस माँ के गर्भ के अंदर थे तो ऊपर पैर और नीचे वो शिव था, बड़ी बदबू आ रही थी और जत्र अग्नि के अंदर जीव तरफ रहा था और जब जीव जब सातवें महीने प्रवेश कर जाता है तो उसको थोड़ा थोड़ा चेतना अवस्था प्राप्त हो जाती है और जब चेतना कम जीव आता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी गंदगी में या किसी परेशानी में मैं कहीं दुखी हूँ, परेशान हूँ। और जब आठवां महीने में जब आ जाता है तो वो सब बातें उसको याद आती हैं, हमने बिल्कुल मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और तकलीफ जब होती है या हमें कोई परेशानी हो तो भगवान से निवेदन करते हैं, परमात्मा से बार बार प्रार्थना करते हैं कि मुसीबत से हमें बाहर निकालो, अब हमारे पर बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, आप मुझे इन मुसीबतों से बाहर निकालो। क्या किसी को दिखाई देता है? हमारे सामने नहीं होता ना दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम उसको उखाड़ते हैं, उसको निवेदन करते हैं, लेकिन वो सुनने वाला भी हमारे पास ही है, कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है और हमारी सारी बात को वो सुनता है और वो जो है हमारे से पूरा उसका ख्याल है, लेकिन हम ही उससे जहनों को जाते हैं। वह हस्ती में जोड़ी में तुझा भूल रस्ताना कहा न यादगारी में आतंक का जो वतन को, उस मालिक की याद नहीं रही, उस घर को हम भूल गए, उस घर को भूलने के बाद में हमने बहुत परेशानियों का सामना किया, बहुत परेशानी उठाई, लड़की लड़की होने में भरमते रहे, लेकिन फिर भी परमात्मा की याद नहीं आई। क्या जामा ना पाप हवसों के मजे में, उस हवस के अंदर आकर के ये जो हमारा जामा ये जो चोला है इसको ना पाप कर दिया, गंदगी में इसको रंग दिया, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे परम परमेश्वर मन ही मन शर्मा। इसमें जो है काम क्रोध के लोभ के झूठ के तूफान के पाखंड के बड़े धब्बे लगे हुए हैं और हमें कोई मैला वस्त्र हमें पसंद नहीं है, हमारे कपड़े में ज़्यादा मैल लग जाए या उनको धब्बे लग जाए तो हम उसको निकाल के फटा प्रयास करते हैं धोने का, धोकर के अच्छा शास्त्र का फिर दोबारा धारण कर लेते हैं, लेकिन जो परमात्मा ने जो है हमें बहुत चादर दी है, चंद्र महंगे मोर की बनी अगारे सो आरिजन जाते हैं उजली और मैली करें वो कपूर, जो कपूर होते हैं मनोवकील होते हैं वो उसको मैली करते हैं दुनिया के, मैंने दाग पड़े पापन के अब कैसे दाग करें, ये पापों के जो दाग लगे हुए हैं इनसे हम कैसे इसको साफ करेंगे, कैसे इसको पाक बनाएंगे, इसका पाक बनाने का एक ही रास्ता है कि हम प्रभु की मंदिर करें और कोई रास्ता नहीं है, चाहे हम कितने भी कर्म कांड करें, कितने जप करें, कितने तप करें, कितने तपस्या करें, कितने दान पुण्य करें, वो एक अलग बात है, लेकिन जामा भी पाक होगा तब प्रभु की भक्ति से और कोई रास्ता नहीं। Yeah.
कुछ समझा को Because